अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ काली मिर्च का गोश्त। सबसे पहले मैंने चार बड़ी प्याज को कट कर लिया था और अब 250 ग्राम गोश्त मैं इसमें ऐड करूँगी वॉश करके। थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ता। और मैंने यहाँ पर 6 हरी मिर्च लिया है, इसको कट लगा कर इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पुदीने का पत्ता। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद अब हम इसका लिड क्लोज कर देंगे और इसे 3 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर रख देंगे। और 3 सीटी होने तक हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। और मैंने खोपरे को ग्रेट किया हुआ रेडी रखा था तो इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और गर्म पैन में ही हमें इसे सिर्फ रोस्ट करना है पैन को नीचे रख कर। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है। और 1 मिनट तक मैं इसे रोस्ट करूँगी, चम्मच को रोकना नहीं है। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। और हम कभी भी ग्रेट किए हुए खोपरे को हम इसी तरीके से रोस्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्द रोस्ट हो जाता है और बहुत आसान और इजी तरीके से ये रोस्ट हो जाएगा। अब और अब मैं आपको बताऊंगी कि कुकर में पहली सीटी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी सीटी भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये रही तीसरी वाली सीटी। अब यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि इसका एयर बाहर आ जाए, या फिर आप इसकी विजिल को लिफ्ट अप कर देंगे। और यहाँ पर अब हम इसे चेक कर लेंगे और थोड़ा सा इसे 5 मिनट तक साउट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और प्याज को हमने यहाँ पर भूनते रहना है। तो ये देखिए प्याज बिल्कुल भुनकर रेडी हो चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। तो ये देखिए अभी हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ खोपरा। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर इसे ग्राइंड कर कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और 3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे और लास्ट आपको ऐड करना है 2 चम्मच नींबू का रस। और अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो इसके बजाय आप 2 टेबलस्पून दही यूज़ कर सकते। इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं तो अब मैं इसे चेक कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, ये देखिए माशाल्लाह। और आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
और आप इसे सर्व कर सकते हैं प्लेन राइस, रोटी, चपाती के साथ। बट मैंने इसे सर्व किया है द फेमस हैदराबाद की मशहूर खट्टी दाल के साथ। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ।